तो वेल गाइज कैसो आप सभी आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियोस में और आज का ये वीडियो आप सभी मिंत्रा एप्लीकेशन यूज़र्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है अगर दोस्तों आप भी मिंत्रा एप्लीकेशन में अपना अकाउंट बनाए हैं आपने भी हाल ही फिलहाल में मिंत्रा एप्लीकेशन में अपना न्यू अकाउंट क्रिएट किया है अब यहाँ पर दोस्तों आप मिंत्रा एप्लीकेशन से फर्स्ट टाइम किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हो यहाँ से आप ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हो या फिर दोस्तों आप यहाँ पर कोई भी सामान आप ऑनलाइन यहाँ से खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को पूरा प्रॉपर तरीका बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप मिंत्रा एप्लीकेशन से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो किस तरीके से आप ऑनलाइन या से किसी भी प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो ठीक है चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते और आप सभी को पूरा डिटेल तरीका यहाँ से बताते हैं तो देखो अगर आप मिंत्रा एप्लीकेशन से किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन परचेस करना चाहते हो या फिर आप यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हो तो इसके लिए आपको करना है क्या इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना ठीक है और हर हाँ दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करना साथ ही साथ दोस्तों अगर आप चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब करके साथ में इस बेलाइकन को प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन पर जरूर से सेट से कर लेना क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी के लिए डेली इसी तरह के यूज़फुल वीडियोज़ लेकर के आते रहता हूँ जिसकी अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए और आप इस तरह के आने वाले यूज़फुल अपडेट का सबसे पहले फ़ायदा भी उठा पाओ ठीक है तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या अपने मोबाइल फोन में इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है ठीक है और जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे आपके सामने इस एप्लीकेशन का होम पेज आ जाता है जहाँ पर दोस्तों आपको काफ़ी सारे प्रोडक्ट देखने को यहाँ से देखने को मिल जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो जैसे आप नीचे आओगे तो और भी आपको प्रोडक्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जैसे ईजिल आप यहाँ पर सेलेक्ट करके परचेस कर सकते हो कुछ इस तरीके से ठीक है अगर दोस्तों आप यहाँ पर होम पेज पर आओगे तो यहाँ पर आपको कैटेगरी भी देखने को मिलेंगे जैसे कि दोस्तों देख सकते हो फैशन है उसके बाद ब्यूटी है होम है अगर आप यहाँ पर कोई भी यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करोगे तो उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर प्रोडक्ट ने को मिल जाएंगे ठीक है ऑल कैटेगरी पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपके सामने और भी काफी सारे प्रोडक्ट के कैटेगरी आ जाएंगे तो यहां से आप इजीली सेलेक्ट करके परचेस कर सकते हो साथ ही साथ ऊपर में आपको सर्च बार का भी ऑप्शन मिलता है सर्च बार पर क्लिक करके जो भी प्रोडक्ट आप यहाँ परचेस करना चाहते हो उसे आप यहां पर ईजीली सर्च करके परचेस कर सकते हो जैसे कि यहां पर मैं सर्च बार पर क्लिक करता हूँ एंड यहां से मैं सर्च कर लेता हूं टी शर्ट ठीक है जैसे कि यहां पर मैंने सर्च किया एंड रिजल्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो काफी सारे डिजाइन काफी मॉडल की टी शर्ट यहां पर आ चुके हैं तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको अपना प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा अब यहां पर आप जो भी परचेज करना चाहते हो उसको सबसे पहले आपको क्या करना है सेलेक्ट करना है अब एग्जाम्पल के लिए यहां पर मैं एक टी शर्ट को सिलेक्ट कर लेता हूं कुछ इस तरीके से ये आपके सामने प्रोडक्ट आ जाएगा ठीक है यहां पर टी शर्ट आ चुके हैं अब यहां पर मैं नीचे आता हूं तो सबसे पहले दोस्तों देख सकते हो कलर्स काफी सारे कलर्स आपको यहाँ पर नीचे में देखने को मिल जाएंगे अगर आप यहां पर कोई दूसरा कलर सेलेक्ट करना चाहते हो तो ईजिल आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे एंड ऊपर में दोस्तों कुछ इस तरीके से ये प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएंगे कलर्स चेंज हो करके ठीक है अब जैसे नीचे आओगे तो साइज सेलेक्ट कर लेना जो भी साइज आपको चाहिए साइज जैसे सेलेक्ट करोगे उसके बाद आपको और नीचे आना है और जैसे और नीचे आओगे तो यहाँ पर इस प्रोडक्ट से रिगार्डिंग आपको सारी की सारी डिटेल्स यहाँ से देखने को मिल जाएंगे ठीक है तो आप इसे जरूर से चेक कर लेना ठीक है प्रोडक्ट डिटेल चेक करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ से दोस्तों आपको इसी एक डिजाइन के काफी सारे आपको यहाँ पर प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे अब मान लो कि अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हो तो इसके लिए आपको करना है क्या है नीचे की साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड टू बैग इस पर क्लिक करना और इसे सबसे पहले आपको अपने बैग में ऐड कर लेना है ठीक है सक्सेसफुल यहाँ पर ये यह बैग में ऐड हो चुका है इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर कोई और प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहते हो तो उससे भी सबसे पहले आपको अपने बैग में ऐड करते जाना है ठीक है बैग में ऐड करने के बाद आपको होम पेज के ऊपर आ जाना है और होम पेज पर आने के बाद नीचे की साइड में आपको यहाँ पर कॉर्नर में यहाँ पर आपको बैग का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर क्लिक करना अब जैसे दोस्तों आप बैग पर क्लिक करोगे अब आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा शॉपिंग बैग करके ठीक है अब नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो पहले से यहाँ पर मैंने एक प्रोडक्ट को ऐड कर रखा है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा तो आपने यहाँ पर जो भी अपने बैग में ऐड करा है ठीक है वो सारे के सारे प्रोडक्ट आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगे अब एग्जाम्पल के लिए दोस्तों अगर आप यहाँ से कोई प्रोडक्ट हटाना चाहते हो मान लो कि अगर आपने चार पाँच प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लिया है वहाँ से आप कोई एक प्रोडक्ट को हटाना चाहते हो तो इसके लिए आपको करना क्या है यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर मैंने शूज़ को पहले से सेलेक्ट कर रखा है अगर यहाँ पर मैं इसे हटाना चाहता हूँ तो यहाँ से दोस्तों आपको इस आइकन पर क्लिक करना है अब इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज आ जाएगा नीचे के साइड में दो ऑप्शन मिलते हैं रिमूव पर क्लिक करना अब जैसे रिमूव पर क्लिक करोगे उसके बाद ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पर पूरी तरीके से हट जाएगा ठीक है जैसे कि दोस्तों देख सकते हो शूज़ यहाँ पर से हट चुके हैं अब यहाँ पर एक प्रोडक्ट यहाँ पर बच चुका है इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर अपना प्रोडक्ट यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट हटाना चाहते हो तो आप उसे हटा सकते हो ठीक है उसके बाद आपको नीचे में प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करना है प्लेस ऑर्डर पर जैसे क्लिक करोगे आपके सामने एड्रेस का पेज आ जाएगा ठीक है यहां पर दोस्तों देख सकते हो आपको अपना पहले वाला एड्रेस देखने को मिल जाएगा जो भी आपने यहाँ पर ऐड कर रखा है अगर आप इसमें चेंजिंग करना चाहते हो तो आप इजिली यहां पर चेंज एड्रेस पर क्लिक करके आप इसे चेंज कर सकते हो अगर आपका एड्रेस सही है तो नीचे में कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करना है एंड आपके सामने काफी सारे पेमेंट के मेथड आ जाएंगे जैसे कि कैश ऑन डिलीवरी गूगल पे फोन पे यूपीआई तो ये सारे ऑप्शन आपको यहीं पर देखने को मिलते हैं तो आप इजीली दोस्तों आप जिस माध्यम से अपना पैसा पेमेंट करना चाहते हो पे करना चाहते हो उसको सेलेक्ट करके इजीली यहाँ से आप अप अपना पैसा पे कर सकते हो और जैसे आप पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करोगे आपका ऑर्डर भी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर जो भी आपको डेट टाइम दिया जाएगा उस टाइम के अंदर आपका जो प्रोडक्ट है आपके दिए गए एड्रेस पर डिलीवर भी कर दिया जाएगा ठीक है तो यहाँ से दोस्तों कुछ इस तरीके से आप मिंत्रा एप्लीकेशन से ऑनलाइन किसी भी प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हो और अपने ऑन दिए गए एड्रेस पर मंगवा सकते हो ठीक है उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये सारी बात समझ में आ गई होगी एंड उम्मीद करते हैं कि आप सीख चुके होंगे कि मिंत्रा एप्लीकेशन में किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन परचेज कैसे किया जाता है वीडियो पसंद हो तो लाइक जरूर से करना मिलते हैं कुछ ऐसे ही वीडियोस के साथ तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय